भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में विभागों का आज बंटवारा हो सकता है। कैबिनेट विस्तार तो हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल इंतजार है विभागों के बंटवारे का, और वो आज हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को ही दिल्ली पहुंचे। आज दूसरा दिन है। आज दिल्ली से जब भोपाल लौटेंगे सीएम शिवराज, तो विभागों को लेकर जो हाईकमान से उनकी चर्चा हुई है, इस पर फिलहाल जो मंथन हुआ है वो लिस्ट लेकर यहाँ पहुंच सकते हैं सीएम शिवराज। और कई मंत्री जो हैं बड़े विभागों की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विभागों को लेकर फिलहाल पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि कई वजनदार जो विभाग हैं, बड़े विभाग जो हैं, सिंधिया अपने खेमे के मंत्रियों के लिए चाहते हैं। हम रुक करेंगे वासु चौरे हमारे संवाददाता का, इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ गए। वासु, क्या माना जाए कि कल तो रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे और खबरें थी कि हाईकमान से वो चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, और उसके बाद जब लौटेंगे तो विभागों का बंटवारा हो सकता है। क्या हम माने कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है या फिर कुछ और वक्त लगेगा? देखिए दीपक, शिवराज सिंह चौहान का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा था, कल उसका पहला दिन था। कल उन्होंने पार्टी संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात की है, चर्चा की है, और आज उनके दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान का ये पहला शासकीय दौरा है। आज सुबह 10 बजे वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करने वाले हैं, इसके बाद वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे, फिर वहीं तो दोपहर के बाद वो सदानंद गौड़ा से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं, और शाम तक भोपाल आने का जो है उनका कार्यक्रम है। इस दौरान उनकी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ज़रूर चर्चा हुई होगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, उस तरह से थी कि जो सिंधिया खेमे के जो विधायक मंत्री बनाए गए हैं, उनके विभाग लगभग तय हो चुके थे, लेकिन जो भाजपा के बड़े नेता हैं, बड़े विधायक हैं, अनुभवी विधायक हैं, उनके विभागों को लेकर कुछ ताना बाना चल रहा था, उसकी स्थिति को क्लियर करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में हाई कमान से चर्चा की है, और लगभग स्थिति साफ भी हो गई है, चूंकि एक जो लिस्ट थी विभागों की वो लेकर शिवराज सिंह चौहान जरूर दिल्ली पहुंचे होंगे, और उस पर अंतिम मोहर दिल्ली हाई कमान से लगनी थी। तो कहीं ना कहीं सहमति अगर बन गई है तो हम देखेंगे कि 2 से 3 दिनों के भीतर ही मंत्रिमंडल का विस्तार के बाद जो विभागों का बंटवारा है मध्यप्रदेश में वो हो सकता है, लेकिन आज थोड़ा सा कठिन है, चूंकि आज देर शाम तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचने वाले हैं, और जो मध्यप्रदेश के आने वाले समय के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर भी दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है। आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होने का जो तय कार्यक्रम है वो है। तो इन सब के बीच मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर रविवार को विभागों के बंटवारे को लेकर रविवार को जरूर चर्चा हुई होगी, और अगर कुछ सहमति बन चुकी है तो हम देखेंगे कि 1 से 2 दिनों के भीतर मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सके। चलिए, फिलहाल इंतजार तो रहेगा कि आज या कल में संभवतः ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हो जाए। बने रहिए आप वासु, एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आएंगे, दूसरा दिन जरूर है उनका दिल्ली दौरे का, लेकिन खबर है आज उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी सीएम शिवराज सिंह चौहान की। आज सुबह करीब 10 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी, और उसके बाद दोपहर करीब 12 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात होगी, उसके बाद केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा से दोपहर 1 बजे सीएम शिवराज की मुलाकात होगी, और उसके बाद आज शाम तक भोपाल एक बार पुनः सीएम लौटेंगे। तो फिलहाल उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनके मुलाकात होगी, मीटिंग होगी और बातचीत होगी, और उसके बाद जब देर शाम को भोपाल लौटेंगे सीएम शिवराज, तो हो सकता है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाए, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये स्थिति साफ हो जाए।